Hello everyone, I'm Dietitian Shipra and I'm going to share an interesting fact about our gut. Yes, gut, stomach, pet. That is also known as gastrointestinal tract. It sometimes play with our mind and influence how we think. The gut and brain talk to each other. Hamara pet aur hamara brain aapas mein baatein kar sakte hain. Yes, this is very different. Ye kuch strange lag raha hai sunne mein, but this is fact. Let me explain with an example. कई बार ये ऐसा होता है that you feel anxiety, हमें tension होती है and you are not feeling good. Exam आने वाला है, किसी भी चीज़ की tension है and we start feeling butterflies moving in our stomach. हमें feel होता है हमारे पेट में butterflies उड़ रही हैं. This shows that there is a connection between gut and brain. That's why some scientists and some people called gut as our second brain. हमारे पेट को, हमारे gut को हम second brain भी कह सकते हैं. Now we know that emotions alter our gut. Scientist also says that gut can influence our brain too. So this is better. ये हमारे लिए easy है कि हम अपने पेट को समझाएं. Brain को हम नहीं समझा सकते. So हम पेट को समझाते हैं. हमारे पेट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं. देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स इन आवर स्टमक. सम आर गुड, सम आर बैड, सम आर इनडिफरेंट. सो व्हाट वी शुड डू इज दिस, वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक इन आवर डाइट. जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है हमारी डाइट में, हमारे खाने में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ऐड करना. एवरीवन्स गट इंक्लूड गुड एंड बैड बैक्टीरिया. जब इन दोनों बैक्टीरियाज में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, देन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस अकर, जैसे कि एंजाइटी, मूड स्विंग्स. सो व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम एंड इंक्लूड एज मच एज गुड बैक्टीरिया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक. प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया विच वी कंज्यूम, जो हम खाते हैं. यूजुअली प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन, metabolism, they fight against infections and diseases and keep us strong and healthy. Jin cheezon mein hame probiotics mil sakta hai wo zyadatar hai jaise yakult aur yogurt. In cheezon mein live bacteria paaye jate hain jo ki hamare pet ke andar good bacteria ko badhate hain. Jitne zyada good bacteria hoenge hamari body mein, hamare gut mein, utna zyada hum happy feel karte hain, utna hi zyada hum अच्छा फील करते हैं. तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है हमारा पेट खुश है, हमारे पेट में गुड बैक्टीरियाज हैं, हम अच्छे प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं. इट सेंड सिग्नल टू आवर ब्रेन दैट ओके आई एम हैप्पी, माई स्टमक इज हैप्पी, माई माइंड इज हैप्पी. यू शुड बी अवेयर दैट ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज इन आवर स्टमक. हमारा 70-80% इम्यून सिस्टम हमारे पेट में होता है. अगर हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया नहीं होगा जो कि हमें प्रोबायोटिक से मिलता है, तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर हम लोग फील कर सकते हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इरिटेबिलिटी. आई होप यू ऑल मस्ट हैव फेस्ड दीज सिचुएशंस समटाइम्स और द अदर्स. सो दिस कुड बी द रीज़न. ये रीज़न हो सकता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी फील हो रही है, यू आर फीलिंग इरिटेबिलिटी, देयर इज मूड स्विंग्स, तो चांसेस हैं दैट देयर आर बैड बैक्टीरियाज मोर इन योर माइक्रोबायोम्स. हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, गुड बैक्टीरिया कम है. सो यहाँ आपको क्या करना है, टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स अगेन, जो कि हमें मिल सकता है थिंग्स लाइक याकूत से, योगर्ट से, इन चीज़ों से. Now what are prebiotics? Prebiotics are food of probiotics. Probiotics, as I told you, ये live bacterias हैं, तो इन्हें भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. किन किन चीज़ों में हमें मिल सकता है, फॉर example, टोमेटो, बनाना, legumes, berries. Berries की बहुत families होती हैं, strawberries, raspberries. So जितनी ये चीज़ें हम खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी body में prebiotic आएगा, जो कि probiotic का food है. I hope this video was beneficial for you and will helpful for you. Keep you stay and fit and healthy. If you like this video, please subscribe to my channel Dietitian Shipra Sehgal. This will motivate me to make more videos like this and keep educating you. Thank you.